नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और जिसे लेकर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, लेकिन उससे ठीक पहले हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि आज भाई दूज भी है और ऐसे में नीतीश कुमार और जो उप मुख्यमंत्री, दो दो उप मुख्यमंत्री बिहार के होने जा रहे हैं, जिसमें एक नाम रेणु देवी का भी है, और किस तरह से नीतीश कुमार ने, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शपथ लेने से ठीक पहले अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद लिया, तो वहीं रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। आज नीतीश कुमार बतौर बिहार के सीएम सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ बिहार में पहली दफे दो डिप्टी सीएम भी अपनी कुर्सी संभालेंगे। आज का दिन असल मायने में भैया दूज और बिहार की राजनीति से ओतप्रोत दिख रहा है और प्रभावित भी दिख रहा है। दरअसल भैया दूज के दिन ही बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और इसकी छाप पूरी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह पर भी दिख रही है। भैया दूज का व्रत करने के लिए एक तरफ जहां पहली बार डिप्टी सीएम बन रही रेणु देवी इस पर्व की परंपरा का निर्वहन करते हुए दिखीं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी शपथ ग्रहण से ठीक पहले अपने बहन का आशीर्वाद लिया और भैया दूज के मौके पर उनकी बड़ी बहन उषा देवी ने उनके लिए उपवास रखा था। नीतीश कुमार को भैया दूज पर बजरी और प्रसाद खिलाने उनकी बहन पहुंची। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपनी बहन का आशीर्वाद भी लिया। तो दूसरी तरफ बीजेपी विधानमंडल की उपनेता चुनी गई रेणु देवी भी डिप्टी सीएम पद की गोपनीयता की आज शपथ लेंगी। रेणु देवी ने बताया कि वो भैया दूज के मौके पर ग्रामीणों के साथ पूजा कर रही थीं कि इसी दौरान उन्हें मुख्यमंत्री और राज्यपाल का फोन आया। रेणु ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल जी का फोन आया था और ऐसे में उन्होंने कहा कि महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये बड़ी बात है। महिला उत्थान और महिलाओं के विकास पर ज्यादा ध्यान दूंगी। रेणु देवी ने बताया कि सुशील मोदी बड़े दिन तक पद संभालते रहे हैं, उनसे भी मैं सलाह लेती रहूंगी। रेणु ने अच्छे से भैया दूज का व्रत किया और कहा कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ मिलकर बिहार के विकास की नई इबारत लिखने का काम करेंगी। तो सबसे बड़ी बात इस वक्त की ये है कि नीतीश कुमार जब सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, थोड़ी ही देर में, आपको हम थोड़े ही देर पहले ये वीडियो दिखा रहे हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने से पहले भैया दूज जो व्रत है उनकी बहन ने उनके लिए जो व्रत रखा था वहां पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद लिया, प्रसाद खाई और उसके बाद सीएम पद की शपथ लेने निकल पड़े हैं। तो अपने आप में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये काफी रोचक है। कभी कभार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जब एक सीएम शपथ लेने जा रहा हो और उसके ठीक पहले अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद दे रहा हो। और सबसे बड़ी बात ये कि एक तरफ जहां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है और दूसरी तरफ भैया दूज का त्यौहार है, ऐसे में दोनों ही, अगर प्रासंगिक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तब जबकि सीएम पद का चेहरा जो है या सीएम की शपथ लेने जा रहा व्यक्तित्व जो है वो अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद ले, काफी भावुक और अच्छा लगने वाला ये दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।